हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको दिखाता हूँ जेंटिम ड्रीम क्रूज। आज दिन का नज़ारा है, चारों तरफ समुद्र है, 7-star होटल, फ्लोटिंग होटल इन सिंगापुर। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें 3400 गेस्ट के रहने के लिए रूम एंड सूट्स हैं और उनकी राउंड द क्लॉक सर्विस करने के लिए 2000 क्रू मेंबर्स यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। ये क्रूज जेंटिम रूम क्रूज, ये क्रूज इवनिंग में चलता है सिंगापुर से मैनहट्टन आइलैंड के लिए। मॉर्निंग में पहुंच जाता है आइलैंड। इस समय फ्रेंड्स हम हैं 17th फ्लोर पर, यानी 17वीं डेक पर, 17वें माले पर। हर माले पर शानदार फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब यहाँ देखिए स्विमिंग पूल, योगा, मल्टी नेशनल क्यूजाइन, हर कंट्री का खाना मिलेगा आपको यहाँ। जैपनीज, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल, यहाँ दो तरह के एकोमोडेशन अवेलेबल है, एक बालकनी साइड जहाँ समुद्र दिखता है और एक इनसाइड बालकनी साइड, थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी फ्रेंड्स, जब भी कभी आज सिंगापुर आप आते हैं, इस जेंटिम ड्रीम क्रूज में आना ना भूलिएगा, अदरवाइज आपका सफ़र बेकार रहेगा। व्हाट अ फैंटास्टिक सी। उसके बाहर का जो व्यू है, बाहर इन द सेंस का आउटर जो लुक है शिप का, वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, उसके लिए बाहर पानी में ही जाना पड़ेगा। हर फैसिलिटी शानदार। मैंने मेरे पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था यहाँ के रूम्स कैसे हैं, एकोमोडेशन कैसी है। देखिए, गेम जोन, गेमिंग जोन यहाँ नीचे है 7th फ्लोर पर। यहाँ कैसीनो भी है, एट ए टाइम हजारों लोग कैसीनो खेलते हैं। Have a close look. Fantastic. Floating heaven on water. अब हम चल रहे हैं लिफ्ट की तरफ। देखिए, इन्ना उंदी शो इकडे। सो नाउ
यहाँ आपको स्टेयर केस का सीन दिखाता हूँ, देखिए टोटल फ्लोर तो 19th है लेकिन 19th फ्लोर पर जाने का परमिशन नहीं है। वाह, सामने किड्स जोन। स्पा, राउंड द क्लॉक स्पा, हेल्थ सेंटर, क्रिस्टल लाइफ स्पा, फिफ्टींथ फ्लोर, हर चीज बड़ी नफीस बनाई हुई है। पैंट्स पूरा तो हम इसको कवर कर ही नहीं सकते, पूरा कवर करने में तो इसको शूट करने में कई दिन लग जाएंगे। अभी हम इसके सिर्फ एक कॉर्नर पर हैं जहां हमने सिर्फ इसका 2% हिस्सा कवर किया है। 13th फ्लोर, एक बार इसका मैं आपको फ्रेंड्स लिफ्ट की भी शेयर कराता हूँ। 12th फ्लोर, चल रहे हैं 11th फ्लोर पर। वेरी फास्ट लिफ्ट, फास्ट स्पीड से चलती है। अब मैं आपको हमारे शूट की तरफ ले चलता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ 3 दिन तो नाकाफी हैं, एटलीस्ट यहाँ 15 डेज का प्रोग्राम होना चाहिए। मॉर्निंग, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, नो डस्ट, नीट एंड क्लीन लिनन, फैंटास्टिक अरेंजमेंट ऑफ हाउस कीपिंग। Amazing maintenance. अब हम हमारे सूट में आ रहे हैं 11056, दिस इज 11056। आई विल अगेन शो यू द इंटीरियर।
वार्डरोब भी अवेलेबल है रूम में, देखिए आप, टीवी मौजूद है, वार्डरोब मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, टेलीफोन, हॉट केटली, और ये मैं कर्टेन हटाता हूँ बालकोनी के लिए। वाह क्या नज़ारा है, फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इवनिंग में, टिल देन बाय। नीचे कोई छोटी बोट है जहाँ से सामान का ट्रांसपोर्टेशन शायद हो रहा होगा। हम देखिए टोटल 17th फ्लोर, 17 डेक, यानी पानी पर तैरती हुई 17 मंजिल की किलोमीटर में फैली हुई इमारत। ओके डियर फ्रेंड्स, बाय।